नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्व मित्र और द मसला में मसला आज बड़ा है। हम आपको दिखाएंगे सरकार की लापरवाही, सरकार कैसे धोखा करती है किसानों से वो दिखाएंगे, सरकार के वादे दावे और दिखावे। सरकार दावा करती है जब नई स्कीम लेकर आती है, लेकिन धरातल पर असल में उनकी स्कीम्स कैसे फेल हो जाती हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। आज जो स्टोरी हम आपको दिखाने वाले हैं, उस स्टोरी को देखकर सिस्टम में बैठे लोगों और सरकार में बैठे नेताओं को एहसास होगा कि कुछ महीने पहले जो वो वादे दावे कर रहे थे वो खोखले थे। अब कुछ किसानों की वीडियो भी आपको दिखाने वाले हैं, कुछ किसानों ने हमें वीडियो भेजी है। हम आपको बताते हैं कि कुछ समय पहले आपको याद होगा जब धान की फसल की बुआई होनी थी, उससे पहले हरियाणा सरकार एक नई योजना लेकर आई थी। वो योजना थी मेरा पानी मेरी विरासत, यानी कि पानी को बचाना है। हरियाणा के कई ब्लॉक्स में जो पंचायती जमीन है वहां पर धान की खेती नहीं होगी, ये सरकार ने उस समय आदेश दिए थे, आपको याद होगा। हालांकि कुछ और जगह पर भी उन्होंने कहा था, लेकिन उस फैसले को वापस लेना पड़ा था। लेकिन उन ब्लॉक्स में, उनमें कैथल के ब्लॉक्स, सिरसा का ब्लॉक्स, फतेहाबाद का ब्लॉक्स और कुरुक्षेत्र के कई ब्लॉक्स थे, मतलब वहां पंचायती जमीन में धान की खेती नहीं होगी, किसान मक्का की फसल लगाए, और अगर वो ऐसा करता है तो कुछ उसको पैसे भी दिए जाएंगे, कुछ बीज के पैसे और कुछ जो फसल बीमा का जो प्रीमियम भरना है वो भी सरकार भरेगी, ऐसा भी कहा गया था। अब हम आपको बताते हैं कि वहां पंचायती जमीन पर किसानों ने मक्का की फसल लगाई, लेकिन अब जब मक्का पक गया और किसान ने उसको बेचने की सोची या रजिस्ट्रेशन करवाने की सोची, तो किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मक्का उनके घर पर पड़ा है लेकिन मक्का बिक नहीं रहा है। चलिए किसानों की बात सुन लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं गांव मुआखेड़ी, जिला ब्लॉक बगैन, जिला कुरुक्षेत्र का रहने वाला राजेश कुमार। हमारी जो खेत लिए थे हमने पट्टे पे, पंचायती भूमि गांव मुआखेड़ी में, उसमें जीरी लगने तो सरकार ने नहीं दी। हमने मक्की की फसल लगाई और वो भी हमारी बिकी नहीं, उसका पंजीकरण नहीं हुआ, वो सरकार का मैटर है। और हमारी ये मक्की की फसल ऐसी बर्बाद हो रही, और ये देखो गर्मी पड़ी है, ढेर लग गया। और जो सरकार इसका बेचने के लिए इबाल कोई निर्णय नहीं ले रही, इसलिए हम सोच रहे अभी सरकार इसको लेने के लिए खरीद जल्दी से जल्दी वो करे। इसका एक अप्लीकेशन CM इंडो पर भेजी राकेश के नाम से, सभी ने मिलकर, जो इसका भी कोई अभी समाधान नहीं हुआ। अब इसलिए सरकार से अपील है हमारी तो आज जोड़ के, कि अभी हमारी मक्की को ये खरीद करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ निर्णय ले। और BDO सेक्टर भी तो इसका कोई वह नहीं कर रहा, हमने उस पर भी कई बार गए, अभी इसका कुछ करो, न उन्होंने कुछ किया इस चीज़ का न बस। इसलिए हम तो गरीब आदमी, हमने ये जमीन देने के लिए आड़तियों से कर्ज लिया है, उसका ब्याज हमारे पे चल रहा है। और ये देख लो इतना स्टॉक पड़ा हमारे घर, ये कोई, ये मऊआखेड़ी गांव के किसान हैं। मऊआखेड़ी जो ब्लॉक बबेन पड़ता है और जिला कुरुक्षेत्र है, इस गांव के कई किसानों ने हमें वीडियो भेजे हैं। इस गांव की जो 35-40 किले पंचायती जमीन है, उस जमीन में ज्यादातर किसानों ने मक्का की फसल लगाई। इन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाने की बहुत कोशिश की कि रजिस्ट्रेशन सरपंच के नाम पर होगा, नहीं हुआ। ये BDO के पास जाते हैं, वहाँ कोशिश की जाती है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ये DC के पास जाते हैं, वहाँ कोशिश की जाती है, वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होता। और आखिर में ये CM विंडो पर अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, वहाँ पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैंने अभी चेक किया है कि वहाँ पर भी अंडर प्रोसेस है इनकी जो शिकायत है।
पिछले तकरीबन 2 महीने से मक्की की जो फसल है इनके घर पर पड़ी है वो खराब हो रही है, लेकिन वो मंडी की बिकेगी कैसे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फसल का हुआ नहीं है, और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उनके पास मैसेज नहीं आएगा तो फसल कैसे बिकेगी। और अगर ये प्राइवेट बेचते हैं तो औने पौने दाम पर इनकी फसल बिकेगी। अब बताइए मसला बड़ा है या नहीं है। मतलब सरकार ने उस समय ठोक बजाकर कहा था, ये दावा किया था, किसानों के साथ वादा किया था कि आप मक्का की फसल लगाइए, कुछ पैसे भी आपको देंगे, मक्का की फसल आपकी खरीदी जाएगी, इस रेट पर खरीदी जाएगी। लेकिन देखिए किसानों का क्या हाल है, फसल उनके घर पर पड़ी है। तो मतलब ये जो सरकार है ये किसानों के साथ ऐसा क्यों कर रही है। सरकार नई स्कीम लेकर आती है लेकिन उसका जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है। नेता लोग खासकर मुख्यमंत्री साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जब नई स्कीम लेकर आते हैं, लेकिन धरातल पर आपने देखा कि उनका सिस्टम काम ही नहीं करता है। कभी मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की अगर बात करें, पिछली कई फसल को आप देख लीजिएगा ये सिस्टम फेल हुआ है। ज़्यादातर बार कई बार किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, हो गया तो आपने देखा होगा जो मैसेज आता है 1 क्विंटल 2 क्विंटल 5 क्विंटल अपनी फसल लेकर आ जाइएगा, मतलब सिस्टम वहीं पर फेल हो गया। और मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर जो वादा दावा किया गया था वो देख लीजिए उसका हाल क्या है। तो जो सरकार है अन्नदाता के साथ ऐसा क्यों करती है, वो अन्नदाता जो लोगों का पेट भरता है उसके साथ ऐसा धोखा क्यों किया जाता है कि उसको बड़ी बड़ी बातें बोलकर कि आप ये फसल बीज लीजिए, आपको ये कुछ हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या होता है आपने इस स्टोरी में देख लिया है। दोस्तों इस मसले को लेकर आपकी अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है हर नागरिक तक, सरकार में बैठे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको पता चले कि वो क्या वादे दावे कर रहे थे जो कि फेल साबित हो रहे हैं। अगर YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा द मसला को, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि जो हमारा अगला मसला होगा उसकी वीडियो नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।